गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड एस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जनवरी मंथ की थी। तो एक लेसन आपकी पॉलिटी की आ चुकी है, बट मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए कॉपअप नहीं कर पा रही थी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और डेली आपको एक लेसन देखने को मिलेगी, और मैं जल्दी से मीन्स डेली आपको एक लेसन देकर मैं इस मैगजीन्स को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और आपको बहुत सारी चीज़ों को रिविजन्स भी करनी है और पढ़नी भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो हमारी लेसन हुई थी उसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस में 3 आर्टिकल देख चुके थे, जो कि हमारी आर्टिकल 3131 के ऊपर थी। ऑफिस ऑफ स्पीकर के बारे में हम लोगों ने देखा था और किस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक थी, जिसको कि रेस्ट्रिक्शंस कर्व करने के लिए, यानी कि जो हमारी तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसका ये थर्ड पार्ट नहीं बनाना चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है एंड बोरिंग हो जाती है, जो कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी टाइम लगेंगे प्लीज़ पेशेंस रख लीजिए और मैं इसको कंप्लीट करूँगी आज। साथ ही आप लोग के लिए कुछ क्विज है, जो कि हमारी फर्स्ट लेसन से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैं क्विज पूछ रही हूँ बहुत ही मिनिमम सी क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन है और बहुत बेसिक मैं पूछती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिंग आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो आप लोग के आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में देनी है और फिर मैं नेक्स्ट डे जो है इसके आंसर्स को आप लोग के सामने क्लियर कर दूंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चंस है, वो भी पॉलिटी फर्स्ट लेसन से। तो फर्स्ट है कि आर्टिकल 131 हम लोग ने देखा है और फर्स्ट आर्टिकल हमारी इसी के ऊपर थी, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 131 है क्या। सेकंड है कि यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस लिखनी है कि कैसे और किस कंडीशंस में एक लेजिस्लेटर को यहाँ पे डिफेक्टेड माना जाता है और डिफेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी लेजिस्लेटर को जब डिफेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, ये आपको राइट डाउन करनी है। थर्ड है कि जो CRPC के यहाँ पे सेक्शन 144 है, इसके बारे में आपको बतानी है कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है या फिर क्या है ये सेक्शन 144, ये आपको बतानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग में थी आपकी, एकदम न्यूज़ में भी थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आपसे अभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मेंस या फिर प्रीलिम्स, तो इसमें ज़रूर आप लोग को पूछने की इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बैक टू द आर्टिकल आते हैं, लेकिन आप लोग को इसके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देनी है। ओके, हम लोग अपनी आर्टिकल जो कि है आधार रिपोर्ट, तो आधार रिपोर्ट देखते हैं कि इस बार आधार की जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें क्या क्या बातें हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आधार है, यानी कि 10 ईयर्स आधार की कंप्लीट हो चुकी है और इसलिए इसकी स्टडी की गई है, जिसमें कि 1,67,000 इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया और ये एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म है डलबर्ग, और ये स्टेट ऑफ आधार है एक पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की आपको नाम याद रखना है, और ये जो आपका रिपोर्ट बनाया गया है ये हमारी एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म डलबर्ग के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें कि एक वैल्यूएबल लेसन्स दी गई है कंट्री के लिए कि किस तरीके से वो पब्लिक सर्विस को जो है ना वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि उस तरीके के सेक्शन जो कि हमारे मेन सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट है और जिनको कि यहाँ पे बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है और जो भी उनको डे टू डे जो एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो लोग भी उनको नहीं मिल पाती, वो सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाती, तो उस सेक्शन को हम लोग वल्नरेबल कहते हैं, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से पब्लिक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरीके से कंट्री के लिए ये एक तरीके का लेसन है। तो पहले हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। ये जो स्टेट ऑफ आधार है ये हमारा इनिशिएट किया गया था 2016 में, और यहाँ पे एक डेटा ड्राइवन डिस्कोर्स जो है इसको कंट्रीब्यूट किया गया था। साथ ही 2019 में अगर देखें इसकी जो एडिशन आई है इस इनिशिएटिव की, वो यहाँ पे 1,67,000 हाउस होल्ड को सर्वे करी है, वो भी 28 स्टेट में और सारे यूनियन टेरिटरीज़ में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस तरीके का स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं जितने भी आधार के यूज़र्स हैं उनके आइडेंटिटी को, कि वो किस तरीके से काम कर रही है या फिर काम नहीं कर रही है, किस एक्सटेंड तक और किसके तट पर यहाँ पर उसका काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख नंबर है, आधार कार्ड है, तो उसका कितना ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे हो और अगर यूज़ नहीं कर पा रहे तो कैसे नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में देखा जाता है। अब कुछ बैकग्राउंड में देखते हैं, यानी कि आधार के बारे में यहाँ पे आपका स्टैटिक कुछ पोर्शन है। आधार की अगर बात करूँ तो ये एक वेरीफिएबल 12-डिजिट आइडेंटिकल नंबर है, यानी कि ये एक आपके पास जितनी भी आधार कार्ड है, यानी कि एक ही आधार कार्ड है लेकिन जितने लोगों के पास है उसमें आप लोग देखोगे कि ये 12-डिजिट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, जो कि UIDAI के द्वारा ये हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों को ये इशू की गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि इसको इशू करती है। इस तरीके की हम लोग अथॉरिटी की बात करें तो ये हमारी एक स्टैटटरी अथॉरिटी है, जो कि आधार एक्ट 2016 के तहत इसको जो है यहाँ पर आपका इस्टेब्लिश किया गया, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा।
आधार की बात करें तो ये 4 पीसेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ 4 पीसेज। यानी कि क्या क्या आपका पर्सनल डेटा इसके अंदर होता है, आपका नाम होता है, आपकी एज होती है, आपका जेंडर होता है और आपकी एड्रेस होती है। बस ये 4 चीज़ है जो आपके जो है आधार में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आधार में कुछ न्यू फीचर्स भी हैं, जैसे कि वर्चुअल आईडी है। अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी जो आपकी खुद की आधार नंबर है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप वर्चुअल आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने खुद की प्राइवेसी को एक जगह से एक तरीके से कहें तो प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है आधार का वो ये है कि जो हमारे स्टेट की एबिलिटी है उनको इम्प्रूव करना है, कि वो अच्छे तरीके से जितनी भी वेलफेयर सर्विस है उनको वो इफिशेंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और टारगेटेड डिलीवरी कर सके। यानी कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, यानी कि जिन लोगों को यहाँ पर सर्विस की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ की, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सारी वेलफेयर सर्विसेज चलाती है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो भी गरीब है या फिर कि कितने यहाँ पे टारगेटेड लोग हैं और कितने लोग हैं जिनको कि एक्चुअली इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है इस तरीके के आधार नंबर से। अब इस रिपोर्ट की हम लोग फाइंडिंग देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, क्या क्या इन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। तो सबसे पहले है कि आधार यानी कि गेटिंग आधार, इनरोलमेंट कराना, अपडेट कराना, इसमें पॉजिटिव चीज़ें अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है मोस्ट, आप लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है आईडी का जो फॉर्म है वो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा है, और जिसमें कि फर्स्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है हमारे इंडिया में प्रोवाइड किया गया है, वो भी 65 to 7 मिलियन इंडिविजुअल को। कुछ स्टेट में आप देखोगे कि यहाँ पे इनरोलमेंट लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हायर है, यानी कि 99% से भी ज़्यादा है। आसाम और मेघालय है जो कि एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ 50% ही ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कंट्री में रहते हैं और उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, इट मीन्स कि आधार नहीं है। तो फिर भी आप कहोगे कि ये पॉजिटिव बात बहुत ज़्यादा है। कंसर्न अगर हम लोग देखें तो एक साइजेबल माइनॉरिटी ऑफ एडल्ट है, चिल्ड्रंस है, जिनको अभी भी यहाँ पे आधार कार्ड लेने की ज़रूरत है। कुछ जो है जो इनरोल करा चुके हैं लेकिन उनके आईडीज में कुछ ना कुछ एरर होती है, आप लोगों को पता है कि कुछ नाम में मिस्टेक हो जाता है, एड्रेस में मिस्टेक हो जाता है, या फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी है, यानी कि कंसर्न में है, इसको भी देखा जाएगा। अब देखते हैं यूजिंग आधार, यानी कि कितने लोगों के पास आधार है ये तो देख लिए, लेकिन कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधार जो है इंडिया की एक डिफ़ॉल्ट आईडी बन चुकी है, यानी कि आप लोग कहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट है ये, तो उसी तरीके से ये आपका जो है ना चाह के भी ये आपका एक आईडी बन चुका है। तो जो भी आधार को यूज़ कर रहे हैं वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल सर्विस में भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। 80% जो रिस्पॉन्डेड है वो यहाँ पर फील कर रहे हैं कि आधार ने अपनी जो रिएबिलिटी है गवर्नमेंट फंडेड वेलफेयर सर्विसेज की, उसको इन्होंने इम्प्रूव कर रखी है। कुछ कंसर्न की अगर इसमें बात कर ले तो आज के भी डेट में क्या है कि मार्जिनलाइज जो सेक्शन है वो अभी भी यहाँ पे आधार रिलेटेड जो एक्सक्लूजन है वो फेस करे, यानी कि ऐसे सेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, तो उनको अभी तक उनके पास इस तरीके का जो सर्विस है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। नियरली आप देखोगे तो 34% ऑफ इंडियंस है जो कि आज के भी डेट में वो आधार को लिंक नहीं करा पाया है बहुत सारे सर्विसेज में, तो ये भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो 0.8% तक लोग हैं जो कि आज की भी डेट में वो बाहर हैं इस आधार रिलेटेड रीजंस में, और ये की वेलफेयर सर्विस से भी बाहर हो गए, जैसे कि PDS है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मिलता है, सस्ते दामों पे जो अनाज दिया जाता है हमारे पिछड़े वर्गों को, तो वो इन सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ों में आपका आधार कार्ड, आधार नंबर जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी हो चुका है कि आपको आधार नंबर देना ज़रूरी है। मनरेगा की अगर बात करें जहाँ पर आपकी गारंटी 100 डेज़ की यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो उससे भी ये पिछड़े हो गए। सोशल पेंशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको यहाँ पे जो पेंशन की बात की जाती है सरकार के द्वारा दी जाती है, बहुत सारी ऐसी स्कीम भी है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा अभी रिलीज़ करी गई है, तो उसमें भी ये सारे लोग जो है पिछड़े हैं, यानी कि आधार नंबर ना होने से बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही परसेप्शन और सेटिस्फैक्शन देखें, यानी कि आपके पास जो आधार नंबर है आप उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो, कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो पॉजिटिव बात आप ये कह सकते हो कि लोग जो है ना 90% जो लोग हैं वो इस चीज़ से ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी डेटा सेफ़ है आधार सिस्टम में ये वो मान रहे हैं। 61% जो वेलफेयर बेनिफिशरीज है वो यहाँ पे आधार प्रिवेंट जो करती है, यानी कि दूसरी तरीके के बेनिफिट्स एक्सेस करने से जो प्रिवेंट करती है, उनसे उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट है। कुछ अगर कंसर्न की बात कर ले तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल मिसयूज़ हो रहा है, उनके आधार का मिसयूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि 2% जो पीपल्स हैं वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है इस आधार नंबर को लेकर। तो आप लोग को ये पता है कि आप लोग में से कोई ना कोई ज़रूर होंगे जिनके साथ इस तरीके का आधार फ्रॉड ज़रूर हुआ है, तो आधार फ्रॉड हुआ है तभी तो हम लोग आधार की जो वर्चुअल आईडी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि वेरिएशन अगर हम लोग देखें जो यूज़र एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक स्टेट में, तो जो आधार की यूज़र्स है हर एक स्टेट में वो यहाँ पर दोनों तरीके से,
कैसे है, एक यूज़ की फ्रीक्वेंसी भी है और नंबर ऑफ़ सर्विस है जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आधार की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी किए गए हैं और रिलेट भी है दोनों तरीके से, यानी कि दोनों इंप्लीमेंटेशन से। पहला आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ इनरोलमेंट सेंटर कितना ज़्यादा यहाँ पे इनरोलमेंट सेंटर है, साथ ही लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी कितना है, तो इन दोनों चीज़ों से यहाँ पे आपका कनेक्ट किया गया है। और यूज़र एक्सपीरियंस जो हम लोग हर एक स्टेट में अगर देखें तो वो लोग कहीं ना कहीं इसे सेटिस्फाई है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 95% जो एडल्ट्स है उनके पास आज के डेट में आधार है, 75% जो बच्चे हैं उनके पास आधार है, 8% जो पीपल्स है उनके पास आधार नहीं है और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ऐसे 102 मिलियन पीपल हैं। 80% जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पे फील कर रहे हैं कि आधार जो है उनको यहाँ पे आधार के थ्रू उनको PDS राशन मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के थ्रू उनको राशन मिल रहा है, मनरेगा में उनको बेनिफिट हो रहा है, सोशल पेंशन मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेबल हो चुका है, यानी कि आसान हो चुका है। तो ये एक फैक्ट्स डेटाज है जो कि आपको याद रखना है। अब वे हिट में बताया जा रहा है कि हर एक डिसीजन जो यहाँ पे आधार को मैंडेटरी बनाने के लिए किया जा रहा है सर्विस प्रोविजंस के लिए, तो उसको केयरफुली कंसीडर करना चाहिए और आधार मैंडेटरी को यहाँ पे जो है बाहर रखना चाहिए, जो वेलफेयर और जो सर्विस सेक्टर्स है उनसे बाहर रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड प्रोसेस है यानी कि आधार से रिलेटेड उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ये यहाँ पे इफिशियंस सिस्टम को डिज़ाइन करके ही होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जो हमारे सोसाइटी में है उसको ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें होगी। मोस्ट सर्विसेज को यहाँ पे आधार के साथ लिंक करना चाहिए, ईजी एक्सेस होनी चाहिए और सीमलेस अपडेटिंग और ऑथेंटिकेशन जो है आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिटिकल हो गया है। डिफरेंट स्टेट की बात करें जैसे कि आप देख सकते हो कि आधार को जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट तरीके से किया गया, जो कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रही है कि किस तरीके से हम लोग इनोवेट कर पाएंगे और सीख सकेंगे एक दूसरे के सक्सेसफुल प्रैक्टिस से। इसलिए आधार को ज़रूरत है कि इवॉल्व कराए, यानी कि हर लोगों के पास होनी चाहिए, उसको वो सर्व करे और जब भी ज़रूरत हो उसको वो चेंज भी कर सके, और ये एक कंबाइंड एफर्ट्स के साथ होगा। और एफर्ट्स किन किन के द्वारा कराना है तो गवर्नमेंट की भी यहाँ पे सरकार की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो इन तीनों के यहाँ पे एफर्ट्स के कारण जो है हमारी आधार की जो यहाँ पे और भी जो कंसर्न्स है वो पूरी हो पाएगी। ओके, तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आधार नंबर से। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है एनिमी प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी अच्छी आर्टिकल से आपको पता चलेगा काफ़ी चीज़ें। तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सेंटर्स ने अनाउंस करी है अभी कि एक कमेटी की फॉर्मेशन होगी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी को यानी कि हमारे दुश्मन की जो यहाँ पे उनकी संपत्ति है उसको कैसे बेचना है। तो आज ही इवनिंग में आपकी एक पॉलिटी की लेसन आई है जिसमें मैंने कमेटी की कैबिनेट कमेटी की बात करी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी है। तो अगर आप लोग वो लेसन नहीं देखे हो तो आप लोग को अगर कन्फ्यूजन है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट कमेटी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टाइम पे कुछ चेंजेस किया गया है तो किस तरीके का चेंजेस किया गया है, उसके बारे में आप लोग को मेरी पॉलिटी लेसन से बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। उसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही यहाँ पर आई बटन पर भी दे दूंगी तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पे और न्यूज़ में देखते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनको होम मिनिस्टर हेड करते हैं और ये मॉनिटर करते हैं वो भी डिस्पोज करना, यानी कि यहाँ पे जो 9400 एनिमी प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से यहाँ पे आपका डिस्पोज किया जाएगा, जिसमें आपका लमसम यहाँ पे 1,00,000 करोड़ तक का यहाँ पे एक्सचेकर है। दो अदर यहाँ पे हाई लेवल कमेटी जो है उसको सेटअप किया गया है कि इमूवेबल जो एनिमी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका क्या आता है, कोई भी अगर आपने ज़मीन खरीद रखी है या फिर आपका मकान वगैरह है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, तो उसको कैसे यहाँ पे डिस्पोज करना है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जिसको कि बनाया गया है कि इस तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, और ये चेयर किया जाएगा यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा और सेक्रेटरी जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के। एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है हमारे एसेट मोनेटाइजेशन में जिनको बनाया जाएगा, वो भी यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के तहत। अब समझते कि एक्चुअली ये एनिमी प्रॉपर्टी है क्या। आप लोगों को पता है कि हमारी नेशंस जो है वॉर लड़ी है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया था उनके कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ने उनके जो सिटीजन्स थे उनकी कुछ प्रॉपर्टी को जब्त कर लिए थे, और इसके बाद जो है ये एनिमी कंट्री की कॉपरेशन के साथ। तो साथ ही ये जो प्रॉपर्टीज थी इसको सीज कर लिया गया था कुछ सर्कमस्टांसेस, यानी कि इनको क्या है कि ये एलियन प्रॉपर्टी है या फिर एनिमी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके का जो सीज़ किया जाता था, यानी कि प्रॉपर्टी को जो जब्त किया जाता था, इसका जो आइडिया था ना वो एनिमी कंट्री का था और ये अलाउ नहीं करते थे कि उस तरीके से एसेट से यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी उससे वो एडवांटेज ले सके और दूसरी कंट्री को जो है एडवांटेज दे सके, वो भी वॉर के टाइम में। तो
हमारे यहाँ जो यहाँ पे इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 की, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1965 में और 1971 में, जिसमें कि हमारी जो वेस्ट पाकिस्तान थी, ईस्ट पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान में, वो हमारी बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गई थी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो यहाँ पे काफ़ी लोग जो यहाँ पे रहते थे, जो पाकिस्तान चले गए, चाइना चले गए, तो उनका प्रॉपर्टी तो हमारे इंडिया में रह गया, तो उसको आज की डेट में हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि हमारे जो संबंध है पाकिस्तान के साथ, वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना के लोग जो यहाँ पे वॉर करके गए हैं और यहाँ के रहने वाले थे लेकिन चाइना में जाके बस गए, तो उनकी जो यहाँ पे संपत्ति है, उसको आज के भी डेट में हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है। साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये सारी कुछ जो हैंडेड ओवर की गई है, ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अंदर की गई है। एक ऑफिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, तो इसमें अंदर है। ओके, तो यहाँ पे अगर सेपी की बात कर लूँ तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। ये एक कस्टोडियन है एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया में। ये ऑफिस ऑफ सेबी जो है, ये आपका सेबी नहीं है, ये सेपी है। ये जो सेटअप किया गया था, ये 1939 में की गई थी, जिसमें कि जितने भी हमारे एनिमी प्रॉपर्टी है ना, उसको किस तरीके से कॉन्फिस्केट करना है, वो भी वर्ल्ड वार सेकेंड में, इसको यहाँ पे डील किया जाता है। जो लीगल स्टेटस है ऑफिस का, वो यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी 1968 के तहत है। ये जो वर्क किया जाता है, इसकी काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होती है। फ्रीडम फाइटर्स डिविजन्स है और इसकी हेड ऑफिस जो है हमारे न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसकी तीन ब्रांच है जो कि मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में है। ये जो कस्टोडियन है, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और ये वर्क करती है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, जो कि हमारी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत दिया गया है। तो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी कि ये जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, इसके पास एक क्वासी जुडिशियल है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट है वो इसको सेटल कर सकते हैं। और इनके पास जो पावर है वो सिविल कोर्ट का भी है, और ये जो पावर किसी को भी अथॉरिटी को जो दिया जाता है, वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा दिया जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 है। जब कोई भी टॉपिक से आपका एक्ट कनेक्ट हो जाता है, वो भी प्रीवियस एक्ट, तो वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि यूपीएससी जो है, उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है जिस पर हम लोग फोकस नहीं करते। हम लोग का ध्यान जहाँ से हटता है, यूपीएससी का ध्यान वहीं पर लग जाता है। ओके, तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, वो काफ़ी टेम्प्रेरी लॉज थी जो कि यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था। जब वॉर खत्म हो गई थी, जब हमारी युद्ध खत्म हो गई थी, तो अब उसके बाद इसको ऑपरेट किया जा रहा था। जो एनिमी प्रॉपर्टी का जो एडमिनिस्टर करना था, यानी कि जितने भी एनिमी प्रॉपर्टी सीज कर लिए गए इस वॉर के टाइम में, तो गवर्नमेंट इसको इनैक्ट करी है उसी को देखने के लिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 की। इसमें एनिमी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है कि उस तरीके की प्रॉपर्टी, जब यहाँ पे आपका वॉर हो रहा था, तो उसमें जितने भी लोग जो, अगर उस कंट्री में, जिस कंट्री के वॉर हो रहा था और जिस कंट्री में वो लोग रह रहे थे, उसके बाद जब वॉर होने के बाद जब वो अपने कंट्री को, उस कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके चले गए, और उनका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे उस कंट्री के लिए एनिमी प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में आपका इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे वॉर हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुई है, तो पाकिस्तान के कुछ लोग तो इंडिया में रह रहे थे, चाइना के भी कुछ लोग इंडिया में रह रहे थे, तभी तो वॉर हुई है। और वॉर होने के बाद क्या हुआ कि इनका यहाँ पे जमीन था, मकान था, तो क्या हुआ कि वॉर होने के बाद कुछ जो पाकिस्तानी थे वो वापस पाकिस्तान चले गए, कुछ जो चाइनीज़ थे वो वापस चाइना चले गए, लेकिन उनका सामान और उनका प्रॉपर्टी तो यहाँ पे रह गया ना, तो उसी को हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, साथ ही यहाँ पे एडमिनिस्टर करने के लिए इस तरीके की कानून बनाई है। ओके, ये जो एक्ट है, ये डिफाइन करती है कि एनिमी किसको करेंगे। एनिमी यहाँ पे एज ए कंट्री है, या फिर उनके कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स है, जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशंस को कमिट करते हैं, यानी कि बाहरी किसी भी तरीके का दंगा वंगा होता है, तो उसको कमिट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना है। यहाँ पे कंटिन्यूस वेस्टिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी है, जो कि सेपी के अंदर है, और कुछ पावर यहाँ पे सेपी को दिया गया है कि वो यहाँ पे जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करें या फिर कैसे मैनेज करें। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, तो यहाँ पे एनिमी सिटीजन्स जो है, उनको कुछ राइट दिया गया कि वो यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कस्टोडियन में रखा गया है, तो उनके प्रॉपर्टी को उनको रिस्पेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे उनके राइट के साथ यहाँ पे कस्टोडियन टू एडमिनिस्टर का पावर भी है, किस तरीके के प्रॉपर्टी को वो कैसे यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट में आ चुका है। तो ये सारी बातें, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस जो ये जो एक्ट थी, इसको वापस से यहाँ पे अमेंड किया गया और वैलिडेशन दी गई, वो भी 2017 में। तो इसकी भी प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या था कि जो कंट्रोल था, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंट्रोल था, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया गया। पार्लियामेंट ने यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 को पास करी थी। तो इसकी कुछ साइलेंट फीचर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सेपी को और ज़्यादा यहाँ पे पावर दिया गया और ओनर दिया गया कि वो यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी है, उसको वो अच्छे तरीके से देखे। कस्टोडियन है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है कि जब भी उनको यहाँ पे डिस्पोज करना है, यानी कि सेल करना है या फिर कुछ और भी करना है, तो वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अप्रूवल है वो यहाँ पे लेंगे।
साथ ही यहाँ पे लीगल सेल भी रखा गया है एनिमी प्रॉपर्टी का, आप लोग बेच भी सकते हो, वो भी यहाँ पे एनिमीज के अंडरटेकन जो लिया गया है 1968 के द्वारा, जिसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं गुड फेथ में, या फिर इसको जो है सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, तो वो यहाँ पे लीगल है, अब यहाँ पे जो है आपका इसको रखा गया है। साथ ही यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को रोका गया है जो कि यहाँ पे लीगल हेयर है, अगर यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी जो चले गए हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ पे इंडिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनके कोई ना कोई तो यहाँ पे जो उनके जो होंगे वंश के, वो यहाँ पे इंडिया, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे रोका गया, यानी कि इंडियन सिटीजन्स जो कि लीगल हेयर है एनिमीज़ के, तो वो इस तरीके के एनिमी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, ओके, और ना ही वो इनको अपने पास रख सकते हैं, ये एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर में रखा गया, ओके। जो यहाँ पे डिफिनेशंस को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया, एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फॉर्म भी यहाँ पे इंक्लूड करी गई है, तो ये सारे कौन है, लीगल हेयर है और सक्सेसर है, यानी कि जो भी पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन उनके जो वंश यहाँ पे रह गए हैं, बाद के जितने भी जनरेशन अगर यहाँ पे रह रहे तो उनको उनकी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, ओके। साथ ही यहाँ पे सिविल कोर्ट को भी रोका गया है और दूसरी अथॉरिटी को भी, कि वो यहाँ पे कुछ सर्टेन डिस्प्यूट को यहाँ पे देखेगी, सुनेगी जो भी एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये पूरी तरीके से जो पावर है सुनने का, समझने का, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वो सेपी के अंदर ही है क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ओके। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं, आज के डेट में जो ये स्टेप लिया जा रहा है इससे क्या ज़्यादा महत्व होगा, तो ये जो डिसीजंस है ना, इससे हमारी जो एनिमी शेयर है उसका मोनेटाइजेशन हो पाएगा, और साथ ही यहाँ पे उसको बेच के जो है हमारे सरकार के पास पैसे आ पाएंगे। सेल से क्या होगा कि इससे जो है हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी, और जो पैसा आएगा उसको हम लोग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में लगा पाएंगे। इस तरीके से ज़मीन को रखे रहना, यानी कि कई सालों से हम लोग रखे हुए हैं और आज तक भी रखे रहना, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो हर एक साल डिग्रेड हो रही है, हर एक साल बर्बाद हो रही है, तो उस तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको रखने से क्या फ़ायदा है, उनको बेच दो, उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी का हमारे कंट्री में क्या स्टेटस है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इतने देर से एनिमी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो हमारे जो दुश्मनों की प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो है कितना, ये तो पता होना चाहिए ना। तो इमूवेबल जो एनर्जी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है वो हमारे यहाँ 9,406 है, और इसकी वैल्यू आप देखोगे कि 1 लाख करोड़ तक है। एनिमी शेयर की अगर हम लोग वर्थ देखें तो यहाँ पे 2,927 करोड़ तक है। गोल्ड एंड ऑर्नामेंट है जिसकी यहाँ पे वैल्यू आपकी 0.37 करोड़ है, जो कि यहाँ पे सेपी के पास है, तो इसलिए इसको बेचने की बात की जा रही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 9,280 है, जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान नेशन के द्वारा रखा गया था, छोड़ दिया गया था, और 126 जो है वो चाइनीज़ नेशनल के द्वारा छोड़ दिया गया है। साथ ही अगर हम लोग 2018-19 में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 780 करोड़ है, जो कि एनिमी की यहाँ पे अगर हम लोग बेचेंगे ना, तो उससे यहाँ पे इतना निकल कर आएगा, 780 करोड़ निकल कर आएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कम नहीं है। ऐसे भी सरकार के पास हमारे पैसे कम हो जाती है, उनके खर्चे जो है इतना ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो इसलिए इस तरीके का काम करेगी तो हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, तो उससे हमारे ही कंट्री का भला होगा, हमारे कंट्री के लोगों का ही भला होगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है इनको बेचने की। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है हमारी 1.6, रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे रेगुलेट करेंगे जितनी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, तो इसको देखा जाएगा। तो और आगे बढ़ते और देखते हैं कि जो जजमेंट है वो यहाँ पे निकल कर आई एक पिटीशन को हियर करने के बाद, जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के जो मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट है 2008, उसी की वैलिडिटी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे है कि इस कमीशन के द्वारा ये रखी गई है कि टीचर्स को अपॉइंट करनी है, वो भी मदरसाज में, जिसको कि हम लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसा देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वैलिडिटी है, यानी कि इस तरीके का एक्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना है, जिसमें कि अगर यहाँ पे टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे अगर बात है तो वो परमिसिबल है, यानी कि यहाँ पे इंश्योर कराना है कि अच्छी से अच्छी यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक्सीलेंस होनी चाहिए, बिना किसी माइनॉरिटी स्टेटस के इंटरफेयर किए हुए। जो कोर्ट है वो यहाँ पे रेफर की है कि TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 की जो केस है उसको यहाँ पे इस केस को डिसाइड करते हुए यहाँ पे कोर्ट ने रेफ़र करी है। तो इस केस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 की जो केस है, इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट दी गई है हमारे आर्टिकल 31 में, जो कि यहाँ पे ना ही ये एब्सोल्यूट है, ना ही ये कानून से ऊपर है, यानी कि ना ही यह पूरी तरीके से संपूर्ण आपको दिया गया है और ना ही ऐसा है कि ये कानून से ऊपर है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, यानी कि जो रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के तर्ज पर, वो नेसेसरी होना चाहिए और सारे इंस्टीट्यूशन में ये अप्लाई होनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि वो मेजोरिटी के द्वारा रन किया जा रहा है या फिर माइनॉरिटी के द्वारा रन किया जा रहा है। और ये आपकी बातें रखी गई है आर्टिकल 31 में, जिसमें कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है हमारे मेजोरिटी और माइनॉरिटी, यानी कि मेजोरिटी को तो इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए बहुत बड़े से बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए कोई निकल कर नहीं आते, तो इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट
राइट है जो कि पार्ट 30 में है, और उसमें से भी आर्टिकल 31 जो है 30(1) वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे आप लोग को जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। साथ ही गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है ना वो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरेक्टर को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बर्बाद नहीं कर सकती। अगर कोई भी अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होता है यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट जो कि उनके हित में नहीं है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर होना चाहिए, इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाहर होना चाहिए और एडमिनिस्टर जो है वो माइनॉरिटी के द्वारा करना चाहिए। ओके, तो एक्सेलेंस प्रोवाइड करना है यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेटर होना चाहिए, बच्चों को अच्छे तरीके से यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए और टीचर की भी जो क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक जो प्रावधान है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 30 आप लोग ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो मेरी पॉलिटी के लेसन आप लोग देख सकते हो। तो आर्टिकल 30 जो है वो यहाँ पे राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे आप डील करती है कि उनके पास ये हक है कि वो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है, साथ ही साथ एडमिनिस्टर भी कर सकती है। अगर आर्टिकल 31 के अंदर देखें तो सारे माइनॉरिटीज़ चाहे वो यहाँ पे उनकी रिलीजन या फिर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो उनके पास ये राइट है कि वो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकती है, साथ ही साथ अपने चॉइस के द्वारा जो है एडमिनिस्टर भी कर सकती है। वहीं आर्टिकल 32 की बात करें तो यहाँ पे स्टेट को रोका जाता है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में कि उनको वो एड प्रोवाइड नहीं कर रहे यानी कि उनको यहाँ पे पैसे से मदद नहीं कर रहे इस ग्राउंड में कि वो यहाँ पे माइनॉरिटी है, तो उसके यहाँ पे स्टेट को रोका जाता है आर्टिकल 32 के। ओके, अब देखते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो नेशनल कमीशन है हमारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट की, वो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करती है कि वो एक तरीके का कॉलेज है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है और चलाया जाता है माइनॉरिटी और या फिर आपका माइनॉरिटी या फिर माइनॉरिटीज़ के द्वारा। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करती है। तो हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं करती है, और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट है वो यहाँ पे माइनॉरिटी को डिफाइन करती है। कैसे? तो माइनॉरिटी क्या है? एक तरीके का कम्युनिटी है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है, यानी कि इनको जो दर्जा दिया गया है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दर्जा किया गया दिया गया है। अगर हम लोग नोटिफिकेशन देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो हमारे यहाँ 6 नोटिफाइड रिलीजियस यानी कि हमारे धर्म के आधार पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो 6 है ऐसे। कौन कौन है? मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, पारसीज है और जैन है। यहाँ पे कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं है जिसको कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है नोटिफाई किया गया है आज तक। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे यहाँ माइनॉरिटी नहीं है, हमारे यहाँ रिलीजन के बेसिस पे है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी जो माइनॉरिटी को हक दिया जाता है वो रिलीजन और उनके लैंग्वेज के बेसिस पे हक दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे यहाँ माइनॉरिटी नहीं है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो वो यहाँ पे जो है नेशनल कमीशन जो हमारी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसके परव्यू से बाहर है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होंगे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा इस्टेब्लिश भी किया जाता है और यहाँ पे उनको एडमिनिस्टर भी किया जाता है। साथ ही अगर देखें कि ये अगर किसी ट्रस्ट के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा या फिर मेंबर के मेजोरिटी के द्वारा अगर इसको रन किया जाता है, तो ये यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही द्वारा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको बेनिफिट के लिए यानी कि जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है इस तरीके का इंस्टीट्यूशन, तो ये बस इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही हो, और कोई यहाँ पे रीज़न की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टेट में आप देखोगे कि उनके खुद के गाइडलाइन होते हैं कि वो कैसे यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे या फिर सर्टिफिकेट करेंगे, तो उनका खुद का गाइडलाइन होता है। एक बार आप देखोगे कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टेटस अगर कन्फर्म हो जाती है, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उनको फिर से पीरियोडिकली रिन्यू करना है। यानी कि एक बार ऐसा हो गया कि अच्छा ये सारे लोग हैं जो कि के बेसिस पे यहाँ पे माइनॉरिटी के स्टेटस के अंदर आते, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद फिर से उनको देखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार उनको कह दिया गया कि ये माइनॉरिटी है तो वो माइनॉरिटी ही रह जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि NCMEI के बारे में यानी कि नेशनल कमीशन जो यहाँ पे आपके माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है ना तो ये अपने आप ही उसको रिजॉल्व कर लेती है, और इनके पास सिविल कोर्ट का पावर भी होता है। ये कुछ माइनॉरिटी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है हमारे ऑल ओवर द इंडिया में उसके सर्टिफिकेशन को रेगुलेट भी करती है। इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो वो कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जज होते हैं या फिर 3 मेंबर्स जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, या तो नहीं यानी कि दोनों चेयरमैन जो है यहाँ पे आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, साथ ही यहाँ पे 3 मेंबर इसके साथ ही होते हैं। इनके पास सिविल कोर्ट का पावर है और इनके पास ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शंस का भी यहाँ पे पावर है इस तरीके का जो भी मैटर होता है।
कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एडुकेटरी फंक्शंस है, रिकमेंडरी पावर है, यानी कि आप यहाँ पे एजुकेट भी कर सकते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ पे अपना जुरिस्डिक्शंस भी दे सकते हैं, साथ ही रिकमेंड पावर भी है, वो रिकमेंड भी कर सकते हैं। जो भी डिस्प्यूट है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, साथ ही साथ इनके पास पावर है कि वो इंक्वायरी करते हैं, सी यू मोटो करते हैं और कंप्लेन भी देते हैं अगर कोई भी तरीके का माइनॉरिटी के हक से अगर वायलेशन होता है तो। साथ ही यहाँ पे कुछ मेजर्स भी दिया जाता है जो कि माइनॉरिटी के स्टेटस को प्रमोट करने के लिए है, प्रिजर्व करने के लिए। साथ ही यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस को जो है ना वो कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर पाया जाता है कि वो किसी भी तरीके का गलत तरीके का मीन्स कोई भी लोग होते हैं ना जो कि माइनॉरिटी स्टेटस में आ जाते हैं गलत तरीके से, जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत तरीके से वो लोग अपनी सर्टिफिकेट बनाते हैं ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, तो वैसे ही ऐसे कोई लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में नहीं बिलोंग करते लेकिन वो अपनी अगर गलत तरीके से सर्टिफिकेट अगर बनाते हैं तो उनके अगर सर्टिफिकेट पता चल जाता है तो ये इन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस की जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या इशू है ये बताती हूँ। नेशनल कमीशन फॉर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ये हमारे आर्टिकल 350B में है और इनके पास लेस पावर है अगर हम लोग यहाँ पे इनके बारे में देखें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें तो। ये सिर्फ जो सेफगार्ड है यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स की जो सेफगार्ड है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं पार्लियामेंट को, वो भी यहाँ पे फाइंडिंग के बेसिस पे। तो ये आपको सारी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्या क्या राइट यहाँ पर दिया गया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंट्रोल है यानी कि रिप्रेजेंट करना या फिर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट पावर है अगर हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में देखें, यानी कि इनके पास पावर है कि कैसे टीचर और प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनके पास चॉइस है कि वो यहाँ पर ग्रुप को एडवाइस कर सकती है कि कौन यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन से किसको बाहर रखना है। साथ ही इनमें अगर हम लोग देखें मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो ये हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी के बाहर है, यानी कि जो आर्टिकल 15 में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है तो उससे भी इसको बाहर रखा गया है। अगर हम लोग स्टूडेंट के एडमिशन के केस में देखें तो माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनके पास रिजर्वेशन कितना है तो 50% तक है जो भी उनके खुद के कम्युनिटी के बच्चे हैं। आर्टिकल 30 में आप जानते हो कि यहाँ पे कंपलसरी टेक ओवर करना है, यानी कि स्टेट के द्वारा यहाँ पे प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है, वो भी कंपनसेशन भी दिया जाता है इस सारे इंस्टीट्यूशन को। सेक्शन 12 है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का, जिसमें कि रखा गया कि 25% रिजर्वेशन उन बच्चों को देना है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और ये एप्लीकेबल नहीं होगा हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि जो भी बच्चे को यहाँ पे जो भी आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनको 25% का रिजर्वेशन देना है। साथ ही ये हमारे जो है जितने बच्चे हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे सेपरेट फ़ी स्ट्रक्चर भी है जो कि यहाँ पे जो कैपिटेशन फ़ी जो चार्ज किया जाता है ना उसमें ये अलाउ नहीं करते। ओके तो इस तरीके के जजमेंट से क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले है जो कि गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको रोका जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट है जो कि अनएडेड यानी कि वो मदद नहीं करते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, वो यहाँ पे मिस में है और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और करप्शन के द्वारा वो सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि माइनॉरिटी सीट को वो बेचते हैं जितने भी नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर्व हो पाएगी। दूसरा है कि ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है उसको बैलेंस कर पाएंगे, यानी कि एक तो एजुकेशन में एक्सीलेंस निकाल कर लाना है और दूसरी जो है यहाँ पे माइनॉरिटी राइट को प्रिजर्व करना है कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनका चल सके। तो इन सारी चीज़ों में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने एजुकेशन को डिस्टिंग्यूश की गई है वो भी दो कैटेगरी में, पहला है कि सेकुलर एजुकेशन है और दूसरा है कि एजुकेशन डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी के रिलीजन और लिंग्विस्टिक को यहाँ पे आपका प्रिजर्व करने के लिए। तो सेकुलर एजुकेशन एक तरीके का ऐसा एजुकेशन है जिसमें कि हम लोग किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, यानी कि विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिए बिना हम लोग सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। और दूसरी तरीके से हम लोग देखें तो हमारे कंट्री में माइनॉरिटी भी बहुत है जिनके राइट्स को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, तो इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग उनके एजुकेशन जो राइट है उनको यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्री में है और ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर बैलेंस हो पाती है। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे यहाँ इसकी बात की गई है माइनॉरिटी के पावर को सेव करने के लिए और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए, तो इसकी बस यही पे यहाँ पे आपका जो है एडवांटेज है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा यहाँ से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा इन स्टेट, यानी कि आप लोगों को ये पता है कि 10% जो है एक अलग से कोटा देने का बात करी थी हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी ने, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट में इस तरीके का कोटा कैसे रखा गया है। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है
कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो 10% जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड को, वो भी जॉब में और एडमिशन में, तो वो किस तरीके से अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए वो फ्री है। तो और देखते कि न्यूज़ में की होती, क्योंकि ये ऐसा कब निकल कर आया, ये तब निकल कर आया जब यहाँ पे PIL जो है आपका एक रिस्पॉन्ड किया गया। इस PIL के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मैं इसको पॉलिटी में कवर करूँगी तो आपकी जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो ऐसे क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, यानी कि सरकार की कोई भी कानून से प्रॉब्लम है, तो आप जो है पब्लिक, यानी कि पब्लिक जो है वो लिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो है केस को फाइल करा सकते हैं और यहाँ पे अर्ज कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कह सकते हैं कि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो एक PIL को सुनने के बाद ये कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तमिलनाडु में और कर्नाटक में, तो सेंटर जो है वो यहाँ पे सबमिट की एक एफिडेविट, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहते हुए कि सेंटर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी को डिसाइड करने में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री है डिसाइड करने में कि वो अपने यहाँ जो है 10% का जो कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, वो अपने अपने स्टेट में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। साथ ही यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की थी, जो कि आर्टिकल 15(6) को और 16(6) को इंसर्ट करी थी हमारे संविधान में और रिजर्वेशन अलाउ करी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के थे। यहाँ पे हमारी वेलफेयर ऑफ पुअर को प्रमोट करने के लिए था, और यहाँ पे जो है हमारी 50% जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब की और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया, यानी कि इसके अलावा ये 10% का जो है आपका यहाँ पे कोटा रखा गया। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये यहाँ पे अमेंड किया गया, जिससे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इसको अमेंड करके कही है कि एक स्पेशल मेज़र होना चाहिए एडवांसमेंट के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे आपका जो है एक मेज़र, यहाँ पे स्पेशल मेज़र लेना है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे कंट्री में रिजर्वेशन दिया जाता है वो सोशली और एजुकेशनली बैक मीन्स एजुकेशनली के बेस पे किया जाता है। अगर आप लोग सोशली, यानी कि आप लोग समाज में रह रहे हो और उसमें अगर पिछड़े हो, या फिर एजुकेशनली अगर आपको अच्छा खासा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो अगर आप पिछड़े हो तो आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इस तरीके का रिजर्वेशन हमारे यहाँ स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के लिए है, ऑलरेडी है, OBC के लिए भी है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से अगर कोई भी लोग पिछड़े हैं, तो उनको यहाँ पे आपका 10% का रिजर्वेशन दिया गया। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बैकवर्ड जो लोग हैं उनको ही दिया गया, जनरल कैटेगरी के लिए लोगों को भी दिया गया है, क्योंकि वो लोग भी तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते ही है, हर कोई अमीर नहीं होता है। तो उन लोगों की भी अगर आर्थिक तरीके से तंगी है, तो उनको इस तरीके का रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो यहाँ पर बात रखा गया कि अप टू 10% जो सीट है वो भी रिजर्व किया जाएगा इस तरीके के सेक्शन के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन है ये हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी आप लोग ने आर्टिकल सुनी है। तो ये जो नया जो ऐड किया गया है आर्टिकल 16(6), ये हमारी गवर्नमेंट को परमिट करती है कि वो रिजर्वेशन जो है 10% सारे पोस्ट में रखे, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। साथ ही ये जो रिजर्वेशन है अप टू 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये आज के डेट में जो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि रिजर्वेशन कैप हमारा 50% का जो एग्जिस्ट कर रही है स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब और OBC को मिलाकर, उसके साथ साथ इसको ऐड किया जाएगा, यानी कि टोटल आप लोग कंट्री में देख सकते हो कि अब 60% तक जो है टोटल हमारे यहाँ जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई कर रही है कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हमारे सिटीजन्स की है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, यानी कि किसी भी फैमिली में इनकम अगर कम है, तो वो लोग क्या है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और दूसरी इंडिकेटर जो कि हमारे इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को है, तो उसको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि उनको हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत रख रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टेट के ऊपर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दी तो स्टेट गवर्नमेंट को वो अपने स्टेट में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट फ्री है वो अपने स्टेट में कुछ भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए, अगर उनको लगता है कि उनके स्टेट के बच्चे को इस तरीके से 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं करना है तो वो नहीं कर सकते, ओके। ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में। अगर आप लोग ने लॉ की पढ़ाई कर रखी है और अगर आप लोग इंडिया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आर्टिकल है। तो कितने ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कर रखी है? वैसे मैं भी पढ़ रखी हूँ, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि आपकी बेसिक ग्रेजुएशन क्या है। वैसे नहीं, आप लोग ग्रेजुएशन करके भी LLB कर सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की जा रही है। वैसे अभी स्टेट आपकी जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम होती ही है, तो उसमें तो आप लोग को अपीयर होना ही चाहिए। मैं तो ज़रूर कहूँगी सिर्फ एडवोकेट बन के मत रह जाइए, जज बनने का एक ख्वाब रखिए, तभी आप लोग को अच्छा लगेगा, ओके। लॉ की पढ़ाई करी है तो सबसे ऊपर जाने की इच्छा ज़रूर रखिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रपोजल आया है कि जैसे हमारे यहाँ UPSC होती है ऑल इंडिया बेसिस पे, तो वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए यहाँ पे प्रपोजल आया है, और इसको फिर से लीगल थिंक टैंक जो विधि है उसके थ्रू इसको फिर से रिवाइज़ किया गया है।
तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में देखते हैं। इसका एम है कि एक सेंट्रलाइज्ड कैडर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, जिनको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा सेंट्रली, और ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, और उनको हर एक स्टेट में एलोकेट किया जाएगा, जैसे कि AIS के द्वारा किया जाता है, ऑल इंडिया सर्विस के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक सॉल्यूशन है, यानी कि जुडिशियल वैकेंसी का जो आज की डेट में आप देखते हो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है मार्जिनलाइज सेक्शन का, और फेलियर है कि हम लोग बेस्ट टैलेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ओके, जो आइडिया है इस तरीके का ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को यहाँ पे बनाने का, तो पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था 14 रिपोर्ट जो हमारी लॉ कमीशन की 1958 में, उनके द्वारा ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट जो नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है, जस्टिस जगन्नाथ सेट्टी कमीशन 1996 की, तो उन्होंने ये रिकमेंड करी थी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की अगर बात करें इनकी रिकमेंडेशन के बाद, जो कि 1976 में थी, तो आर्टिकल 312 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, और बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत जो है इसको अमेंड किया गया था, और इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंक्लूड की गई थी। आज के डेट में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, यानी कि जिस भी स्टेट में आप लोगों, तो स्टेट जुडिशियल सर्विस की एग्जाम होती है, तो उसके थ्रू जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जो जज है उनकी यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है। साथ ही आप देखते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखते हैं। सबसे पहला है कि वैकेंसी को फिल करने के लिए, आप लोगों को भी पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट पे हो या सबऑर्डिनेट लेवल पे हो, 5000 वैकेंसीज हम लोग देख रहे हैं, और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस की थी 2013 में, उन्होंने ये रिकमेंड करी थी। और सेकंड है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ जस्टिस को इनरिच करें, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे, जैसे कि आप लोग देखते हो कि यूपीएससी की एग्जाम होती है तो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, तो इसमें क्या होता है कि एक से एक टैलेंट निकल कर आते हैं, तो वही चीज़ है, वो चीज़ वो आपको ये जो एग्ज़ाम की क्वालिटी होती है आपको स्टेट पीसीएस की क्वालिटी से बहुत अप देखने को मिलती है, तो टैलेंट भी उस तरीके का अप निकल कर आती है। साथ ही स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम होती है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना ऑल इंडिया सर्विस की अगर एग्ज़ाम हो तो वो उतना ऑल बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, यानी कि ज़्यादा आपके पास क्वालिटी है और ज़्यादा एफिशिएंसी भी है जो कि यहाँ पर निकल कर आएगी। सेकेंड है कि जो भी लैकुना है, यानी कि स्टेट मैकेनिज्म में कुछ जो कमी आपको देखने को मिलती है कि प्रॉपर टाइम पर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, साथ ही यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, साथ ही वैकेंसी में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत तरीके की कमी है जो कि हम लोग हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी देखे कि वो लोग बेटर तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी है उनके जो वैकेंसी है उनको फुल नहीं कर पाते हैं, साथ ही यहाँ पे बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट की जो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट है उसमें जो टैलेंट है वो तो निकल कर आ जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जो एग्ज़ाम होती है उसकी बात ही अलग है, उसका रुतबा ही अलग है, उसका जो स्टैंडर्ड है वही बहुत अलग है। आप लोग देखते हो कि स्टेट पीसीएस में अधिकतर टाइम क्या होता है कि स्कैम वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी का उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरीके का नहीं देखा जाता। साथ ही कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि ये एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेंटर के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, और वो सारे रिक्रूट होकर जो इंसान है वो कहाँ जा रहे हैं, तो स्टेट में काम कर रहे हैं, तो इससे एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बीच में जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही बेटर बार बेंच रिलेशन होती है, क्योंकि बेटर क्वालिटी ऑफ जज निकल कर आते हैं, तो जो रिलेशनशिप है हमारे लॉयर और जजेस के बीच में वो क्या होता है कि चेंज होता है बेटरमेंट के लिए, और यहाँ पर डिज़ायर है कि हम लोग जो आज के डेट में जो हमारी सर्कमस्टांसेज है उसको और ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ये सारी कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो कि आप लोग से, अगर आप लोग ने लॉ करी है और किसी भी इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों ज़रूरत है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब इश्यूज़ देखते हैं कि क्या क्या है। तो इशू ये है कि सेंट्रलाइजेशन का डर है, फेडरलिज्म की डिबेट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑल इंडिया अगर हम लोग जुडिशियल सर्विस की यहाँ पे क्रिएट कर ले तो ये नेसेसरी होगी कि हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट पावर है डिस्ट्रिक्ट जजेस का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आज के डेट में है जो कि आर्टिकल 233 के तहत है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये सेंटर के हाथ में चला जाएगा, तो ये एक तरीके का डर है। अगर हम लोग 233 के अकॉर्डिंग देखें तो जो अपॉइंटमेंट किया जाता है लोगों का यहाँ पे पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस का, तो ये यहाँ पे हमारे स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाता है, वो हाई कोर्ट से यहाँ पे कंसल्ट करते हैं, लेकिन होता तो उनके द्वारा है, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। फिर जो लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम होती है, आप लोग देखते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस है वो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग यहाँ पे कंडक्ट होता है और जो जजमेंट होता है वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में होता है, यानी कि जो भी स्टेट है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में मेनली जो है डिस्ट्रिक्ट की जो जजेस है वहाँ पे जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है, जो केसेस सुने जाते हैं, उनका जो जजमेंट दिया जाता है वो सब लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा होता है, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है।
साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, यानी कि आज के डेट में क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, ये हमारे फैक्ट के द्वारा गारंटी की गई है। और हाई कोर्ट बहुत ही अच्छा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की अगर सेटअप हो जाती है तो ये इस तरीके का जो कंट्रोल है ना वो पूरी तरीके से वीकेंड हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और जुडिशरी की जो ये इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। साथ ही साथ ओवर रिजर्वेशन और जो एग्जामिनेशन का है उस पर फियर है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो कि आज के डेट में बेनिफिट लेती है स्टेट कोटा से, तो यहाँ पे ये जो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस होगा तो उसमें ये नहीं होता है। जैसे आप लोग किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट ने कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखी है। जैसे कि मैं बिहार की अगर बताऊं तो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे 35% रिजर्वेशन अपने बिहार के जितनी भी वीमेन हैं उनके लिए रखी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बिहार जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम अगर मैं देती हूँ तो मुझे 35% की रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन अगर मैं ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे 35% की ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये भी बात है कि ओवर रिजर्वेशन है, एग्जामिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है। वहीं ऑल इंडिया सर्विस में अगर मैं देखूं तो एक तरीके का रिजोल्यूशन है कि कैसे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशंस कमी है, यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनकी यहाँ पे बेंच में, बार में, ये सारी चीज़ों में जो कमी देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे पूरी पूरी हो पाएगी। लोकल लॉज है, यानी कि यहाँ पे जो आपका एक लोकल लॉज जो यहाँ पे लिया जाता है इसकी ख़त्म होगी, प्रैक्टिसेस, कस्टम, ये सारी चीज़ जो है हमारे स्टेट में होती है तो इसका भी यहाँ पे आपका खात्मा हो सकता है। तो ये सारी यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताई जा रही है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम लोग कुछ सर्विस को इंश्योर करें जो कि हमारे इन्फ्लुएंस हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, और एक अच्छे तरीके से अपॉइंटमेंट हो सके और साथ ही साथ एक अच्छे तरीके से रिमूवल का भी प्रोसेस हो। 116th रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग और जो प्रमोशन है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का, वो यहाँ पे प्रपोज जो नेशनल जुडिशल सर्विस कमीशन है उनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि आपके रिटायर्ड और जो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो होंगे, कुछ बार और लीगल एकेडमी के मेंबर भी होंगे। किसी भी तरीके का अगर यहाँ पे चेंज किया जाता है जुडिशल सेटअप में जो कि हमारी कंट्री में, तो उसको यहाँ पे स्टेट के द्वारा कंकर्ड किया जाएगा और हाई कोर्ट भी होंगे जो कि यहाँ पे लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर भी होंगे। साथ ही यहाँ पे मोर प्रूडेंट होगा इन्वेस्टिगेट करने में कि जो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है हमारे पुअरली परफॉर्म स्टेट में तो उसकी क्या रीज़न है और क्या कॉजेज़ है। साथ ही एक इंटेंसिव हमारी ट्रेनिंग होगी जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है सारे लैंग्वेज में, यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज में उनको समझाया जाएगा, साथ ही एक अच्छा खासा एडिक्वेट और इफ़ेक्टिव नॉलेज होगी जो कि लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी स्टेट में। तो जहाँ पे भी उनको यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा तो उनको पहले उनको समझाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज बताया जाएगा और अच्छे तरीके से उनको नॉलेज दिया जाएगा। ओके, तो ये सारी वे फॉरवर्ड बताई जा रही है। तो अगर आप लोग लॉ की पढ़ाई कर रखे हो और आप लोग अगर ऐसे कोई भी स्टेट जुडिशल सर्विस की अगर तैयारी करते हो तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो जुडिशल सर्विस की फॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग किस तरीके से हो, आप लोग भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल जो कि हमारी पॉलिटी के हैं, और ये है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, यानी कि एक तरीके का कोर्ट जो कि किसी भी एक स्पेशल मुद्दे को जो है ना बहुत ही कम समय में इसको जो है रिजॉल्व कर देते हैं, उनका जो है वर्डिक्ट निकल कर आ जाता है। तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसेंटली एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसमें कि 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, वो भी रेप और पॉस्को एक्ट के लिए। पॉस्को एक्ट के तहत यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं अगर उनके साथ कोई भी तरीके का हैरासमेंट होता है या कोई भी अब्यूजमेंट वाली बातें होती है तो उनको यहाँ पे हियर किया जाता है, और ये हमारे नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वीमेन के तहत आती है। और देखते हैं इस स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे 389 डिस्ट्रिक्ट है हमारे कंट्री में जहाँ पे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं, यानी कि बहुत सारे केसेस जो है आज भी पेंडिंग है पॉस्को एक्ट के थ्रू, और यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो रिसेंट जो स्कीम है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक्सक्लूजन होती है, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉस्को कोड बनाया जाएगा जो कि एक साल में आपका सेटअप किया जाएगा। इस स्कीम में फाइनेंसिंग की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के पैटर्न में होगा, यानी कि यहाँ पे सेंटर भी कुछ पार्ट करेंगे, फंड का कुछ पार्ट देंगे और स्टेट भी देंगे। 60% जो शेयर है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा और 40% जो है वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होगी। साथ ही यहाँ पे अच्छा खासा प्रोविजन रखा जाएगा, एक्सपीडियस ट्रायल होंगे, डिस्पोजल होगा जो भी रेप और पॉस्को एक्ट के केसेस होते हैं। इंडिया में आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ एक्ट जो 2018 है उसको इनैक्ट किया गया था, तो यहाँ पे इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ही इंटरवेंशन है कि हम लोग एक स्पेसिफिक कोड जो है उसको यहाँ पे टाइम बाउंड डिस्पोजल, यानी कि एक टाइम होगा जिसमें कि हम लोग रेप और जो पॉस्को एक्ट के थ्रू जितने केसेस है उसको हम लोग डिस्पोज कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1023 जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को जो है डिस्पोज किया जाएगा और बनाया जाएगा, जिससे कि हम लोग की 1,66,882 केसेस को यहाँ पे जो रेप और पॉस्को एक्ट की है उसको डिस्पोज किया जाएगा।
साथ ही इवोल्यूशंस अगर हम लोग देखें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, तो 2000 में जो हमारे 11 फाइनेंस कमीशन थी उन्होंने इस स्कीम की रिकमेंडेशन की थी कि हमारे यहाँ 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए, जिसमें कि जितने लंबे समय से जो पेंडिंग केसेस है लोअर कोर्ट में उसको डिस्पोज करना है, और पर्टिकुलरली जो कि अंडर ट्रायल में है, अभी तक ट्रायल भी नहीं किया गया, एक जो अंदाजा के टर्म पे या फिर किसी के शक के टर्म पे किसी को भी रखा गया है, तो उन सब सारे केसेस को यहाँ पे आपका डिस्पोज करना है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 5 यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अभी तक इस्टेब्लिश की गई है, वो भी 5 ईयर्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो किया जाता है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके की जाती है। जो जजेस होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, और वो भी एडहॉक बेसिस पे, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तभी अपॉइंट होते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो उनको एबॉलिश कर दिया जाता है। जो हाई कोर्ट जो होते हैं वो यहाँ पे आपके रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस या फिर जो भी एलिजिबल जुडिशल ऑफिसर्स होते हुए और जो बार के मेंबर होते हैं उनसे ही सेलेक्ट किया जाता है। 2005 तक देखें तो सिर्फ यहाँ पे 1562 को जो है वो 2005 तक फंक्शनल में थे। स्कीम्स जो है ये आपका कंटिन्यू किया गया है 2010-11 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर, लेकिन 2011 के एंड तक क्या हुआ कि सिर्फ यहाँ पे 1192 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसी को फंक्शनल में रखा गया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी इस स्कीम को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश करी फास्ट ट्रैक कोर्ट को, वो भी अपने खुद के फंड में। फिर ये डिसाइड किया गया, अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे तो वो यहाँ पे परमानेंट फीचर भी रख सकते हैं, तो उन्होंने किया भी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, उन्होंने ऐसा किया है। जब दिल्ली गैंग रेप केस हुई थी 2012 में, तो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी और पब्लिक सेंटिमेंट थे जो कि काफ़ी फेवर्ड हुई थी कि इस तरीके से स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, स्टेट को यहाँ पर ज़रूरत है कि वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए, वो भी इस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट की जितनी केसेज हैं उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में कितने केसेस पेंडिंग हैं। अगर हम लोग अगस्त 2019 से देखें तो हमारे यहाँ 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा केस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 87% पेंडेंसी ऑफ केसेज है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है 24 हाई कोर्ट्स में, जो कि 12% तक है। तो सबसे ज़्यादा जो केस हमारे यहाँ पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। अगर 2017 की बात करें तो हाई कोर्ट में आपके 403 वैकेंसीज़ हैं जिसको अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, सेंक्शन नहीं किया गया। 2006 से 2017 के बीच में देखें तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है हमारे हाई कोर्ट में वो बढ़ती गई है, यानी कि जो जजेस की कमी है और खाली है वो बढ़ती गई है, 16% से यहाँ पे 37% तक हो गई है। वही सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो 19% से 25% तक हो गई है। ओके, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो यहाँ पे आपका बनाया जाता है इसमें इशू क्या है? सबसे पहला है कि सिस्टमेटिक इशू है, यहाँ पे स्टाफ पूरे नहीं होते, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, रिपोर्ट को यहाँ पे लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी यहाँ पे अनस्टाफ्ड है, उसमें भी आपके स्टाफ नहीं है। विक्टिम की जो सपोर्ट सर्विस है वो यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, विक्टिम और जो विटनेस प्रोटेक्शन मेजर्स है वो भी अच्छे से नहीं लिए जाते हैं, साथ ही यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस भी बहुत कम है, फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है वो किया नहीं जाता, और जब स्टेट हायर करते हैं करंट पूल ऑफ जजेस से तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से हो नहीं पाती, जो वर्कलोड है रिमेनिंग जजेस का वो यहाँ पे और बढ़ते जाता है। कोई भी लेजिस्लेटिव क्लैरिटी नहीं है, आज के डेट में कोई भी लेजिस्लेटिव फाउंडेशन नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे इस कोर्ट का क्या पर्पस है, इसको कैसे यहाँ पे आपका फंक्शन करना है, कोई भी स्पेशल टाइम बाउंड प्रोसीजर यहाँ पे रखा नहीं गया, साथ ही यहाँ पे फीडबैक और अपडेशन की कमी है। तो ये सारी प्रोसेस प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है आज के डेट में हमारे स्टेट में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं बन पाई है। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ नंबर ऑफ जजेस की जो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इक्वल अटेंशन हम लोग को देना है दोनों तरीके से, मेट्रोपॉलिटन में भी और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी। क्रिटिकल सिस्टमेटिक इश्यूज़ को देखना है, जैसे कि हमारे यहाँ कोर्ट में स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, जो कि डे टू डे फंक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो एक बार अगर इस्टेब्लिश हो गई तो स्पेशल कोर्ट को यहाँ पे पीरियोडिक मॉनिटर करना है, एवोल्यूशन करना है, परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस सब कुछ असेस करना है। जुडिशियल ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर की बात करें तो उनको यहाँ पे सेलेक्टेड बेस्ड होनी चाहिए, उनके एटीट्यूड क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, उनके तर्ज पे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देना है। मैकेनिज्म में जो है कोलैबोरेशन काम, यानी कि दूसरे कोर्ट एजेंसीज के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग विक्टिम सपोर्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके, जिसमें कि इंटरप्रिटेटर हो, साथ ही सोशल वर्कर्स हो, दूसरे सर्विस हो जो कि यहाँ पे विक्टिम्स जो गवाह देते हैं सॉरी विक्टिम्स है जो कि यहाँ पे जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उनको यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो सेफ्टी में उनको टेस्टिफाई करना है, रिड्यूस करना है जो भी उनके साथ अगर गलत हुआ है, रेप हुआ है, जो भी बच्चे हैं अगर उनके साथ कोई एब्यूसिव वाला अगर कोई हरकत हुई है तो उनको ट्रॉमा से बाहर निकालना है। ओके, तो ये सारी वे फॉरवर्ड है।
सो गाइस, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लेसन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होती है और आपको अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए इस लेसन को। और अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।